मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के जिला अस्पताल में भारत सरकार के कायाकल्प अभियान के तहत निरीक्षण किया गया। कायाकल्प अभियान के तहत जिला चिकित्सालय शिवपुरी में निरीक्षण मुरैना जिला चिकित्सालय के RMO डॉक्टर सुरेंद्र सिंह गुर्जर द्वारा किया गया। उनके साथ में श्योपुर जिला चिकित्सालय के RMO डॉक्टर प्रदीप शर्मा भी मौजूद रहे। हॉस्पिटल के रखरखाव एवं गुणवत्ता मरीजों का इलाज शिक्षण प्रोटोकॉल के संबंध में निरीक्षण किया गया। सुरेंद्र सिंह गुर्जर, अरे जिला अस्पताल में आज निरीक्षण किया जा रहा है। एक्चुअली में भारत सरकार का जो कायाकल्प बहुत बड़ा अभियान है, जिसमें मतलब हमें बाहर से मतलब एक हॉस्पिटल के इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाता है, उसमें आज मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह गुर्जर RMO जिला चिकित्सालय मुरैना और अपने डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी मेरे साथ आए हुए हैं। जिला चिकित्सा RMO है ये जिला अस्पताल श्योपुर के। उसमें क्या है कि हॉस्पिटल के रखरखाव, उसकी जो गुणवत्ता है, मरीजों के जो हित में जो चीज़ें हो सकती हैं उनका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और जो यहाँ का स्टाफ है उसका मतलब किस तरह ट्रेनिंग पार्ट कैसा है उसका, उसके संबंध में, और उनके इन्फेक्शन प्रोटोकॉल क्या होते हैं उस संबंध में, इन्फेक्शन के लिए हम लोग आए हुए हैं, और उस संबंध में जो पूरी बारीकी से पूरे हॉस्पिटल का निरीक्षण किया जाएगा, उसमें उसकी स्कोरिंग रहता है, उसके तहत हॉस्पिटल को नंबर की रैंकिंग दी जाएगी। सर, अभी तक आपने अस्पताल में क्या किया? हॉस्पिटल में काफ़ी परिवर्तन पहले से हुआ है, काफ़ी सुविधाएं बढ़ी हैं, और इसके अलावा इन्फेक्शन प्रोटोकॉल पर भी काफ़ी काम किए जा रहे हैं, और जो जो कुछ गैप मुझे मिले हैं, जो कमियाँ दिख रही हैं हॉस्पिटल में, उस संबंध में अभी सिविल सर्जन और RMO से साथ मीटिंग बैठ करके उसमें उसको भी खत्म किया जाएगा। सर, अभी निरीक्षण के दौरान मीडिया कर्मियों को अंदर प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए क्या, मीडिया कर्मी एक स्वतंत्र प्रभारी लोग होते हैं, वो कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन एक प्रोटोकॉल के तहत जो एरिया मतलब प्रतिबंधित रहती है वहाँ के लिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग थोड़ा सहयोग प्रदान करें। तो सर, आप ही के टीम के द्वारा भी वीडियोग्राफी हो रही है, ऐसा क्यों सर? आपके फोटोग्राफी और हमारे फोटोग्राफी में ऐसा क्या? नहीं नहीं, आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी जो सिविल सर्जन द्वारा जो अभद्रता का ये मामला सामने आया है, इसमें क्या कहेंगे? उन्होंने तो प्रवेश बाहर कर दिया। नहीं, उसकी एक्चुअली मुझे विशेष जानकारी नहीं है, और उस संबंध में उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। सर, आपके आने के बाद ही यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो थोड़ा परिवर्तन हुई है, आपके आने से पहले थोड़ी यहाँ पे मरीज है और परिजन भी काफी परेशान होते हैं। उस संबंध में अपन कुछ पेशेंटों से भी बात कर रहे हैं, और इसके अलावा जो भी गैप मैंने जो आप बताया कि जो कमी निकल रही है, जो मुझे दिखाई दे रही है ना, उस संबंध में अपन सिविल सर्जन और प्रशासन हॉस्पिटल के उनसे बैठ करके मीटिंग ली जाएगी। अभी जिला अस्पताल में डॉक्टरों के साथ भी व्यवहार किया जाता है, अभी 2 महीने पहले नर्स के साथ भी मारपीट हुई थी, तो उसमें स्टाफ की कमी बताई। एक्चुअली जो भारत सरकार का कायाकल्प अभियान है, उसमें एक अकेला इन्फेक्शन कंट्रोल, रख रखाव, हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा और स्टाफ और डॉक्टरों की सुरक्षा के संबंध में भी है, तो उसमें भी प्रॉपर सिक्योरिटी और बाकी जो भी व्यवस्थाएं होती है वो करने के लिए पूरी प्रशासन से बात करेंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।